वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का अर्थ ही है आपस में मिल करके जो टॉपिक है उसकी गुह्यता का वर्क करके और ऐसी चीज तैयार करें जो सभी उसको धारण करने के लिए पसंद करें। जैसे वर्कशॉप दूसरी जो होती है स्थूल, उसमें कोई चीज तैयार होती है तो वो अनेकों के प्रयोग में आती है। ऐसे हम लोग भी वर्कशॉप रूह रिहान कहें तो भी ठीक है, लेकिन ये वर्क करके अनेकों के कार्य में लगाने की चीज तैयार कर रहे हैं। दाता, विदाता और वरदाता, ये है आज की टॉपिक। तो पहले हम इस रूप में ले कि दाता, विदाता या वरदाता कहा किसको जाते हैं, और फिर उसकी दूसरा कि कैसे इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, और तीसरा हम इन्हीं तीन बातों को दूसरे को भी ऐसे बनाने का तरीका कैसे कर सकते हैं, और चौथा है कि इस बात से हमको अपने जीवन में या समन संपर्क में आने में लाभ क्या होगा। तो हमने इस रूप से इस टॉपिक को सोचा। अभी हम पहले जो हमने सुनाया कि दाता, विदाता और वरदाता कहा किसको जाता है, पहले इस बात को हम स्पष्ट करेंगे सब मिलकर के, और फिर हम दूसरा, तीसरा, चौथा लेंगे। तो इस विचार में आपका कोई एडिशन हो तो आप बता सकते हैं। हमने जो सोचा वो ये सोचा कि इस ढंग से हम सोचे, इसमें और कोई विचार हो किसी का भी एडिशन तो बताइए, क्योंकि आज क्लास ऐसे नहीं है, वर्कशॉप हल्की मूड से लेंगे। हाँ, हल्की मूड से, क्योंकि ये तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक बार सुनाई और ही मुझे पक्का हुआ, मोटर कार जाती है वर्कशॉप में तो एक पहले सारा उसको खोलता है, खोल करके क्या उसमें बाकी कमी है पीछे उसको सब ठीक ठाक करके ये जो चार बातें आपने बताई उसमें जो भी सारी बातें जो हम लोगों ने लिखी है वो समझो कि एक लेवल्स होती है, दाता, विधाता और वरदाता की लेवल्स होती है। तो ये लेवल्स के अनुसार समझो हम एक कर्मणा या ग्रॉस जैसे ना भूलता का थोड़ा और एक वाचिक भाव में माना एज पर डिस्कशन हो सकता है, और इसके अलावा अगर समझो हम इसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो समझो कि एक दूसरी लेवल होती है एक दाता की, एक सूक्ष्म लेवल वरदाता की और विधाता की, एक जैसे सटल लेवल जो होती है मानसिक दृष्टि से जैसे सूक्ष्मता का जो रहता है पूरा वो कैसे हो, वो एक सारा हम अच्छा रहे। मतलब टॉपिक सारे खुल जाए, मतलब इसी तीन ही बातों को, इसका भाव ये है कि इनमें इन तीनों बातों का स्थूल और सूक्ष्म गुह्य क्या है वो भी हम खोलें, ये भाव। अच्छा, तो दाता बाबा जो कहते हैं तुम दाता बनो,
तो वैसे तो कल भी हम लोगों की ये बात हुई थी, तो हम एक तो बाबा दाता है, उसके बच्चे है, मास्टर दाता है, इस हिसाब से भी दाता है। जो दिया है बाबा ने वो देने के लिए निमित्त है, इसीलिए भी हम मास्टर दाता है। और दूसरी बात ये भी निकली कि देवता बनने वाले हैं, तो देवता के रीति से भी देवता का अर्थ ही ये है कि देवता हम बनते ही तब है जब अभी दाता बनते हैं, वो ही संस्कार हमारे में भरे हुए होने के कारण हम देवता कहलाते हैं। देवता का अर्थ ही है देने वाला। और तीसरी बात है कि हम अगर फरिश्ते भी है तो फरिश्तों का रूप भी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये हमारा बाबा हमें लक्ष्य बताते हैं। तो फरिश्ते के रूप में भी अगर हम देखें तो कभी भी किसी भी दर्शन में जब फरिश्ता दिखाते हैं तो वो कुछ लेता नहीं है, कभी भी देने के लिए ही आता है, और हमेशा कुछ अच्छी चीज ही देने आता है, या मैसेज संदेश देने आएगा, या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको मिटाने के लिए कहेंगे फरिश्ता ऊपर से आया और कह करके और चला गया। तो फरिश्ता जीवन जो हमारी है वो भी देने की है, लेने की नहीं है। तो संगम युग पर जो हमारा ये फरिश्ता देवता भविष्य में है, और इस समय जो सेवा की स्टेज पर है, तो हम मास्टर दाता है, क्योंकि बाबा ने हमको बहुत शक्तियां दी है, गुण दिए है और ज्ञान दिया है, जो भी खजाने दिए है उनके हम मास्टर दाता है। जो हमारे पास दिया है बाबा ने वो देने के लिए हम निमित्त है ही है। सेवादारी का अर्थ ही ये है कि हम देने के लिए निमित्त है। सेवादारी का अर्थ ये नहीं है कि लेने वाले हैं हम, लेकिन सेवादारी का अर्थ ही है देने वाला, करने वाला। सेवा हमेशा की जाती है, सेवा लेने वाले को सेवादारी नहीं कहा जाता है। तो हम लोग जो है सेवादारी, जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा था, तो मेरा पहला पहला जो टाइटल है वो है ही वर्ल्ड सर्वेंट। कितना भी बड़ा है लेकिन फिर भी अपने को कहलाता है वर्ल्ड सर्वेंट। तो हमको भी बाबा ने, जब हम कहते हैं कोई को टीचर है ये है, तो बाबा हमेशा कहता है कि आप अपने में भाव नहीं ये रखो, अपना रूप ही ये रखो कि हम टीचर माना सेवादारी। तो सेवादारी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सेवादारी माना सेवा करने वाले, सेवा करना माना किसको, कुछ अपने द्वारा देना, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा द्वारा हो, चाहे कर्मणा द्वारा हो, लेकिन सेवादारी कुछ न कुछ दूसरे को देता है सेवा द्वारा, तभी सेवादारी कहलाता है। तो उस रीति से अगर हम देखें तो चार ही जो संगम युग पर हमारे सेवादारी है, या मास्टर दाता है, या फरिश्ता है, या देवता बनने वाले हैं। तो हमारा संगम युग पर जो जीवन है अभी की, वो जीवन ही हमारे दातापन की है। दाता माना देना। तो बाबा इसमें एक सूक्ष्म बात है, हम दाता की स्टेज को और सूक्ष्म कैसे ले। तो बाबा कहता था, तो जहां आप समझते हो, तो भाई जैसे मानो एक होता है चाहना है और उस स्थान पर मैंने दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है जो चाहना भी नहीं रखते आपसे और ही आपसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसी समय भी ऐसे व्यक्ति को भी आप दाता बन करके देते जाओ, इसको कहेंगे दाता की सूक्ष्म स्थिति। मोटे रूप से तो नेचुरल है, हम लोगों को जो ज्ञान मिला है वो समाया हुआ है, तो देने के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं,
ये तो ठीक ही है, जैसे ज्ञान का खजाना मिला है हम शांत करके बैठ जाए, हम कहे नहीं क्या सेवा करनी है, क्या किसको सुनाना है, रह ही नहीं सकेंगे। कोई भी हमारे सामने आएगा ज्ञान निकलेगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप हम हो गए हैं, बहुत ज्ञान हमारे को बाबा से प्राप्त हो गया है। और वैसे ही उस दूसरे रीति से अगर कोई हमारा सहयोग लेता है तो भी हम एक दो को दे देते हैं, क्योंकि फिर भी हम दाता के बच्चे हैं, तो कोई भी सहयोग लेगा तो भी हम दे देते हैं, लेगा तो यानी भावना रखेगा हमारे में सहयोग की तो हम दे देते हैं। लेकिन दाता की वास्तु की स्टेज इतने तक है जो हमारे को ठुक रहा है कोई, और मैं फिर भी दाता की स्टेज से दू। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो कोई भी प्रकार का बच्चा, मानो बाबा सबकी जन्म पत्री जानते थे, पाप कर्म है ये है, तो कभी भी बाबा ने जो अच्छे बाबा की महिमा करे या बाबा के सहयोग की इच्छा रखे या प्यार से भी इच्छा वो रखे दातापन की लेने की सहयोग की, तो उनको तो दिया ही। लेकिन बाबा ने कभी भी किसी भी बच्चे को, चाहे कैसा भी बच्चा हो, लेकिन फिर भी शुभ भावना और शुभ कामना से हिम्मत दिला करके, हिम्मत का बल दिया बाबा ने दाता बन करके, कमजोर को हिम्मत उमंग उत्साह का दाता बन करके दिया। और जो कमजोर होता है वो खड़ा होकर के, हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे जो हम लोग भी समझते थे तो ये है क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है, और बाबा इतना उसको चरा रहा है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी ब्रह्मा बाबा के हमने देखे जो दातापन की स्टेज से बाबा ने उनको अपना एक्स्ट्रा दे करके, एक तो होती है उसकी हिम्मत अपना पुरुषार्थ, लेकिन दाता पन की स्टेज ये है कि मैं अपने सहयोग से उसको खड़ा कर दूं, यानी सहयोग इतना दूं जो उसमें हिम्मत नहीं हो, लेकिन मैं हिम्मत बढ़ा करके उसको खड़ा कर दूं। तो मैं समझती हूं कि सूक्ष्म दातापन के संस्कार वो है जो ऐसे परिस्थिति वालों को भी हम दाता बन करके और दे। कैसी भी परिस्थिति वाला हो, कैसे भी संस्कार वाला हो, कैसे भी वृत्ति से हमारे को वो कांटेक्ट करता हो या संपर्क में आता हो, लेकिन मैं उसके प्रति हमेशा देने की ही भावना करूं, लेने की भावना नहीं करूं। इसमें ये एक और भी है, जैसे बाबा कहते हैं ना, तो कोई आपको रिगार्ड देता है तो आप भी उसका रिगार्ड देती हो, तो रिगार्ड लेकर के रिगार्ड देना ये दातापन नहीं है, ये तो लेन देन का हिसाब हो गया, उसने दिया आपने भी दिया। लेकिन दातापन की स्टेज वो है जो वो भले हमको नहीं दे, लेकिन मेरी उसके प्रति हमेशा दातापन की देने की भावना रहे। तो जितना हम देते जाएंगे उतना नेचुरल है। कई बार ऐसे हम कहते हैं ना, हमने दाता बन करके बहुत शुभ भावना शुभ कामना इसको दी, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करता है ना, और उसको पहुंचता ही नहीं है ना हमारा, मैंने तो बहुत दिया। जैसे पहले भी हमारी ये बात निकली थी यहाँ इस संगठन में, तो उसका भी रेस्पॉन्स यही निकला था। तो दातापन की स्टेज ये है कि ये देखेगा नहीं कि मुझे रेस्पॉन्स मिला, देता जाएगा, चलो देता जाएगा। तो जो भरपूर है उसने दिया तो क्या बड़ी बात है, वो गिनती क्यों करे कि मैंने इतना दिया और इसने नहीं दिया। अगर मैं भरपूर हूँ, मास्टर दाता हूँ, तो मैं देती जाऊं, तो जितना देती जाऊंगी मैं, उतना देने से और ही हमारा बढ़ता है, कोई कम तो नहीं होता है ना। चलो उसने नहीं भी दिया, लेकिन मैंने जो दिया तो बाबा कहते हैं जितना आप देते हो उतना आपके पास बढ़ता है, ये धन, ये खुशी, ये गुण और ये शक्तियां तो ऐसी चीज है जो जितना भी हम देते हैं तो उतना हमारा बढ़ता है, तो हम तो फिर भी भरपूर के भरपूर रहेंगे, कम तो होंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं समझती हूँ दातापन की संपूर्ण स्टेज, सूक्ष्म स्टेज जो है वो वहां तक है।
अभी इसमें आप अपने विचार सुनो। हाँ? नहीं पहले एक हो जाए ना, पहले एक फाइनल हो जाए, पीछे फिर विधाता का करेंगे। पतंजलि योग दर्शन में ऐसा लगता है, दुनिया के योग दर्शन में, कि कोई आपकी उपेक्षा करता है, समझो आप देखते हो तो कोई आपकी उपेक्षा करता है ना, जैसे लेता ही नहीं है, नहीं रिटर्न नहीं करता। तो वो समझो ऐसी व्यक्ति है ना, योग के जो लक्ष्य, योग आपका कैसे रहेगा उसके जरा विधि बताइए। तो बताया कि अगर कोई उपेक्षा आपकी करता है तो आप बेटर के आप उनसे दूर रहे, और मानसिक रीति से भले आप उसके प्रीत वो खराब भाव न लाए, मना शुभ भावना शुभ कामना रहे, परंतु जा करके उसके सामने घड़ी घड़ी अपना शुभ भाव दिखाने की चेष्टा न करे। माना मैं आप मेरा ठुकरा, माना उपेक्षा आप करते हो तो घड़ी घड़ी में आपको बुलाने की चेष्टा न करूं, थोड़ा एक दो बारी ठीक है, फिर समझो कि मानसिक रीति से हमारा लेवल ठीक रखे आपसे, परंतु घड़ी घड़ी जाके नहीं पर दूर रहे, तो क्या होगा, अपनी जो मेंटल लेवल है योगा की वो अच्छी रहेगी, ऐसा वहाँ कहा है। तो यहाँ जो बताया है तो वही भाव है, या घड़ी घड़ी उसके साथ जाके कार्य करने का सोचे, बात करने का सोचे, वो है, वो क्या भाव है? नहीं, क्या होता है ये, फिर हमको परखने की शक्ति चाहिए। अगर मानो उसको हमारी वाचा या संपर्क नहीं जचता है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझेगा, इसको समझेगा ये हमको अपने को सिद्ध करने चाहती है जैसे, तो भाई सिद्ध जिद्ध और सिद्ध हो जाएगा ये। और वैसे जो अगर हम मनसा में शुभ भावना और शुभ कामना देते रहेंगे तो हमारी मनसा का नेचुरल प्रभाव पड़ते पड़ते उसका स्थूल व्यवहार जो होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तभी ऐसा होगा उस समय का मूड उसका नहीं। हाँ, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे भी देखा गया है, समझो कोई नहीं, कोई घड़ी होती है इंसान की, मुठ की बात है, पहले कई बार उसने ठुकराया हुआ है, परंतु अगर हम छोड़ देती है ना, तो वास्तव में हमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। हमारे अंदर का उसके प्रति, किसके भी प्रति भावना हमारी उसके कल्याण की सदाइन दातापन की हो ही हो ताकि उनको कभी ऐसा तील लग जाता है तो मैंने ठुकराया है, इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है, ये हमारी कल्याण भावना, हमारी कभी भी दातापन की जो कल्याण भावना है वो कभी भी नहीं छूटे। तो ऐसे हमारे पास कई मिसाल हुए हैं जिन्होंने पहले बड़ा इग्नोर किया है, जैसे केयर नहीं किया है, ऐसे समझ तुम मेरे पीछे मत पड़ो, पलायन कर, कई बार हुआ होगा, पर आखिर उसको आता भला इसके घर से क्या जाता है जो मेरे पीछे पड़ते हैं, जरूर कुछ है इन्हों के अंदर पीछे, जिसको वो बगदा हड्डियां नरम हो जाती है, कठोर भी है ना पीछे दातापन के हमारे संस्कारों से उनकी हड्डी नरम हो जाती है, हड्डी नरम हो जाती है फिर नजदीक आ जाते हैं, ताकि किसी युक्ति से संपर्क संबंध बना रहे, ये भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। दातापन से, दातापन हमारा संपर्क संबंध बना के रखता है। अभी हम प्रवृत्ति में रहने वालों को कहते हैं, भले तुम गाली खाती हो, तुम छोड़ नहीं दो, रहो, साथ रहो, ट्रस्टी होकर के रहो, अनासक्त वृत्ति से रहो, ताक संपर्क संबंध बनना रहेगा तो बिचारों का कल्याण होगा। ये दातापन के संस्कार है ना हमारे, हम ये थोड़े हमको चाहिए कुछ नहीं, पर कौन नहीं तो उनको कौन कल्याण करेगा, हम ही तो करेंगे। तो हमारी कल्याण भावना, फिर ये कहती है पात्र वाली बात, तो दातापन में ये हमारे भी, ये भी गुण आ जाता है हमारे में, पात्र को देना है, पर हम सिर्फ कहें भाई ये पात्र नहीं है, जो पात्र है उसको तो दिया, अब ये देखते ये पात्र नहीं है तो छोड़ तो नहीं देंगे ना। कोई घड़ी आती है हमारे अंदर की भावना जो है ना वो भी पात्र बनाती है।
समय अनुसार उनको पात्र बना भी देती है। मुझे इसके लिए योग्य समझा है इसलिए दिया है, तो अभी मुझे वो करके दिखाना है, तो योग्यता उसमें बन जाती है। और वो कहते हैं आप मुझे उम्मीद नहीं थी, अब मैं कोई आपके योग्य हूँ या यहाँ आने के लायक हूँ, परंतु ऐसे कई बार ऐसे नस्तिक आते भी कहीं स्वीकार कर लेते हैं, दूर से उनको क्या पता यहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन हमारे संस्कार जो अभी है ना, दिल बड़ी कल्याण भावना के होने के कारण दातापन के से कई प्रकार की सेवा होती है। और उनको भी ये लगता है जैसे बाबा हमारे को गुज्जत रखते हैं, तो अंदर में आता है ना कि बाबा ने गुज्जत रखी है तो जरूर वो बात मेरे में आएगी, यानी उनके कारण आएगी जरूर, कि वो वरदानी है तो उम्मीद रखी है, भर जाएगी उम्मीद रखी है तो मेरे में भर जाएगी, योग्यता भी आ जाएंगे। कमजोरी का जो अपने में हीनता का संस्कार है वो मिट करके एक शक्तिशाली नया संकल्प उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। हमारे हिम्मत से उसमें भी हिम्मत है, यही तो दातापन का है ना, सिर्फ कोई और थोड़ी कुछ भावना और उससे हिम्मत उमंग ओला, जैसे मानो कोई समय ऐसा बेचारा कोई ऐसे सरकमटेंस के कारण निर्बल हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, ऐसे टाइम पर अगर हम उनको उमंग उत्साह देते हैं तो यही दातापन के संस्कार है ना, कि ऐसे टाइम पर हम उसको मदद दें। एक होता देना, तो जो हम जब देने जाए तो हमारे अंदर दातापन के संस्कार हो, ये नहीं कितने कितनी बातों की उपेक्षा कर दी है फिर मैं जा रहा हूँ पता नहीं करेगा, तो हमारे अंदर उस समय जो हमारी भावना हो ना वो पॉजिटिव हो, पिछले सोची हुई जो कुछ व्यवस्था हुआ है उस व्यवहार वाली हमारे अंदर ना हो, तो नहीं तो हम उसी दृष्टि से देखें तो हमारा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी जाएगा, मिक्स जाए, मिक्स ना हो, तो हमारे अंदर कैसा भी व्यक्ति हो कितनी बार भी किया हो लेकिन रहम की जो दातापन की भावना हो वो हमारी सतोत्र ना हो, यानी दातापन में रहम और कल्याण की भावना, कल्याणकारी की गुण जो होगा ना वो प्रैक्टिकल रूप में होगा। अगर कल्याण की भावना और रहम दिल हम नहीं है तो दाता नहीं बन सकेंगे। तीसरा निमित्त भाव और फल इच्छा रहते, मैंने दिया इसलिए ये हुआ, मुझे बाबा ने दिया है तो जो बाबा का दिया हुआ है वो मुझे बाबा ने ड्यूटी दी है कि ये तुमको बांटना है, तो हम बाबा का ही बांट रहे हैं न कि मेरा अपना कुछ है, जैसे हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमें तो जो कुछ भी आज प्राप्त है गुण या शक्तियाँ वो सब बाबा से ही प्राप्त हुआ है, तो बाबा का ही दिया हुआ हम बाबा के ही बच्चे को बाबा के ही डायरेक्शन से हम दे रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं दिया है, तो ये जो भावना है ना वो हमें निमित्त भाव में रखती है और अभिमान रिंचक भी आने नहीं देता है, तो अभिमान न होने से देने के बाद ये नहीं आता है कि मैंने दिया तब ये हुआ तब ये आगे बढ़ा तब ये चला, नहीं तो फिर वो अभिमान भी को नुकसान कर सकता है, अपना भी तो उनका दाता को मिलाया नहीं जा रहा है, वरदाता नहीं क्या ना कोई अपमान आया बड़े इसका प्रश्न है, ये इसको देती है नहीं समझो वो क्रिटिसाइज करता है, मतलब हम दे रहे हैं दे रहे हैं तो हमारे पास दातापन का रूप ऐसा रहे वो कैसा भी होगे उसको देते हैं मन वचन कदम से जैसा जैसा व्यक्ति हो, इसको कहता है मैं बताती हूँ, इसमें बाबा कहता है बिच्छू भी जो होता है नहीं जब नरम जगह दिखता है तभी उसको काटता है, जब तक नरम नहीं हुआ है नहीं ये परख शक्ति है, तो जब तक वो नरम नहीं हो तो वो उसको देने में लाभ नहीं होगा समझो, जब वो नरम देखे नहीं तो इसमें परख शक्ति की बहुत जरूरत है, हमने कहा ना परखने की ये जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही हम समझे क्यों कहाँ कहाँ बाबा कहते हैं तो क्यों वाद विवाद करते हो और आप समझते हो इनको बताते जाना है, तो नहीं नहीं बच्चे ऐसे वाद विवाद नहीं करना है, कहाँ देखो कहाँ बंद नहीं देना है, तो बाबा ये समझता है परख शक्ति हो गई नबज़
जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं नब्ज देखते हैं, नहीं नब्ज देख के उसको वो दवा देते हैं, तो इसमें परख शक्ति की बहुत जरूरत है, दातापन में रखने की तो जरूरत है, फिर उसको ठीक दे सकते हैं। तो हम जैसे अपने को कहते हैं हम दाता के बच्चे हैं, तो चाहे स्थूल बात जैसे ये सूक्ष्म चल रही है, चाहे स्थूल हो, जैसे कभी कभी हमको होता है ये चीज हमको मुफ्त में मिल जाए तो अच्छा है, यानी हम कहते तो ये है कि हम दाता के बच्चे हैं। एक जैसे परख शक्ति माना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि परख शक्ति इम्पोर्टेंस बराबर है, क्योंकि एक होता है कोई हमारे प्रति करता है या हम दूसरे के प्रति करते हैं, लेकिन कभी जो हमारी एक भावना हो जाती है ना कि भाई ये ऐसा मुफ्त का हो जाए तो अच्छा है, तो उसको हम क्या करेंगे? यानी हम कहते तो है हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन कभी मेंटालिटी में ऐसे आता है ना कोई का कि भाई ये ऐसे मुफ्त में हो जाए तो ये मैं से पूछो हाँ हाँ होता है, होता है कभी कभी भावना किसकी हो जाती है, लेकिन इसका उत्तर है इसमें हमारे अंदर है। आपके पास जब वरदाता की बात आएंगी, विधाता की बात आएंगी, जब आप भाग्य विधाता हो तो आप ये नहीं कहते मुफ्त में आवे, आप ये क्या चाहती हो, आप दाता हो तो उनको भी दाता बनाने चाहती हो आप ये नहीं देखो अगर पर्सनल अपने प्रति दादी अपने प्रति पर्सनल लेते हैं ना तो है खड़ी हो गई, लेकिन अगर आप यज्ञ की एकानामी के प्रति उनका भविष्य बनाने चाहती हो तो उसको मांगना नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा उसका विधाता बन के आपने भाग्य बनाया, वो विधाता हुई अरे क्योंकि भाग्य विधाता है, तो भाग्य विधाता बन करके अगर किसका हम भाग्य बनाते हैं तो और ही अच्छा है ना, लेकिन अगर पर्सनल रीति से हम लेते हैं वो रंग कहती हूँ बिल्कुल फ्री हो करके दिल खुली से, आप ये नहीं कहते मैं मांगती हूँ, आप कहते ये सेवा है, मांगना हम तो मांगते नहीं है किसी भी सेवा है, जैसे हम सेवाधारी है वो भी सेवा करने के लिए हम चांस देते हैं, हम मांगते नहीं है, जैसे हम आजकल तो हर एक जानता है ये स्वयं कहाँ से लाएंगी, इन्होंने सब जो कुछ दिया है ना अभी भी दे रहे हैं ना, श्वास समय संकल्प सब दे रहे हैं, सब बात में हम दे रहे हैं, हम कहाँ से ले नहीं रहे हैं, ले भगवान से रहे बाकी सबको दे रहे हैं, तो ऐसे अगर मेरे समान कोई बनने चाहे तो मैं तो उनको चांस देते हूँ, मैं मांग नहीं रही हूँ। मतलब दादी कोई समझे भोग के लिए कहता है, कोई रिपेयरिंग कराता है मकान का, उसके लिए स्टूडेंट को कहता है, तो मैं कहती कहने का ढंग चाहिए, ढंग से भी न कहें पर मांगने का ढंग दादी होना भी नहीं चाहिए ना, तरीके से मांगते हैं ये करते हैं। मेरे को 20,000 की किताब छपानी है, मेरी डील है सेवा के लिए, लेकिन अभी कोई स्टूडेंट नहीं तैयार है, तो हम कहेंगे मांगेगी तो नहीं, तो हम दाता के बच्चे हैं तो हमको पैसा खर्चना अच्छा है या फिर स्टूडेंट करे तो ही हम करें, या हम दाता के बच्चे हैं मांगे भी नहीं और हमारे पास समझो पैसे नहीं है, तो उसमें हम अगर होते आपकी जगह पर मैं बताती हूँ, समझो समझो अगर जहाँ से छपाई होती है अगर वो छापने वाला हमारे पास नहीं है, दूसरा कोई है, प्रैक्टिकल मैं बताऊं, अभी कभी कभी ऐसा मौका होता है ना, कोई कहते हैं मुझे कुछ थोड़ा पैसा है मैं कोई प्रकार की सेवा करने चाहती हूँ, अच्छा तुमने कहा, फिर उस घड़ी हम देखेंगे, उस घड़ी में देखेंगी तो भले उसकी कुछ उस बेचारे को क्या पता, तो कौन सी सेवा की जरूरत है, छपाई की जरूरत है, हम सीधा ही कहेंगे प्रेजेंट समय ये छपाई हो रही है इससे इतना फायदा होगा, अच्छा तुम इस छपाई में दे दो, और हमारे लास्ट जब कभी कभी ऐसे होता है मधुबन आने की सीजन होती है, कोई ऐसी आत्मा होती है समझती है तो भाई मैं कुछ दे से, अच्छा दो चार टिकट दे दो, मांगा क्या मैंने, मांगा नहीं, पर दो चार को अगर टिकट मधुबन की दे दी उसका बड़ा पुण्य का काम हो गया ना, ऑफर की ना ऑफर ऑफर की ये कहती है मेरा दूसरा आवश्यकता हम मांगे, मैंने मैंने ये दूसरा शब्द बीच में बोला अभी एडिशन करना है सदा के लिए, हमको दाता बनने में बहुत अच्छा लगता है, संबंध संपर्क स्नेह इतना अच्छा, हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ा हुआ हो स्नेह से, हाँ हमारे में स्नेह है ना, स्नेह काम कराता है, संबंध और संपर्क कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए,
संबंध संपर्क इतना अच्छा हो, जो रोज आने वाले इतने नहीं कर सकते हैं, कितनी सेवा करते आ रहे हैं, संबंध संपर्क वालों के द्वारा बहुत सेवा हो रही है, हो रही है और होती जाएंगी, वो भी बेचारे भाग्य बनाएंगे। अभी कई हमारे क्लास वाले ऐसे होते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं, परंतु वो उनके भी जो स्नेह संबंध बना हुआ है ना, उनसे भी कराते हैं। भले नहीं चले, उसमें हमारा क्या जाता है, लिटरेचर है, टिकेट्स है, जैसे मैं टिकट की बात सीधी कह रही हूँ ना, अभी इस साल हमारे को 10 टिकट बहनों की थी, जो समर्पण वाले, 10 टिकट कहाँ से आएंगी मधुबन में आने की। मिसला मैं कहती हूँ, ऐसे कई बातें ऐसी समय समय पर कोई भी सेवा होती है और खुशी से कहते हैं ये बात। अच्छा हाँ चलो, कोई किसके थ्रू, नहीं नहीं मैं कहती ये आप लोग, ये आप लोग नोट करो सदा के लिए, स्नेह ऐसी अच्छी चीज है जो संबंध संपर्क इतना सहज ऐसा बना हुआ हो, जो हमको कहां मांगने की जरूरत नहीं है, असुन्नी जरूरत है, स्नेह संबंध करा रहा है, हमको नहीं ख्याल आता है, हमको मांगना है, हमको मांगने की जरूरत, कभी मांगते भी नहीं, न मांगने जरूरत है, अपने आप ऑफर होती है। मैं ये, तुम छुट्टी हो, आप ही आएगा, बस तुम बस बताओ सिर्फ क्या ये यज्ञ सेवा की जरूरत है। अच्छा मुझे बहुत ध्यान, मैं फिर कहेंगे बताएंगे, तुमने मुझे कहा ना, मैं बताएंगे। तांक भले जो क्लास में हमारे आने वाले है ना, भले जगह अपने मित्र संबंधों से कराए ना, कहां से भी करा हुए ना, उनको पता है इन्हों का जान जिगर यही है, भले कराए, हम थोड़ी से कहा, वो अपने आप समझते हैं, तो हमारा ये फर्ज कहता है इस समय ये शव करानी, तो संपर्क अच्छा। और दूसरी, हमारे दातापन में ऐसा अंदर से नेचुरल संस्कार हो जो फल इच्छा रहे, ना हम समझे फलाना दिया है, देता है, उसके पीछे पड़ते हैं, असल नहीं, या फलाना नहीं देता है उसके लिए हम उसके लिए कुछ उनकी कुछ कदर नहीं करते हैं, असल नहीं, हमारे फल इच्छा रहता हमारा नेचुरल, हमारा जो सबसे व्यवहार है, तो समझेंगे इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हुआ के लिए दादी ये पूछती है, दाता बन के दूसरों को शांति का दान दो, सहन शक्ति का दान दो, तो ये कैसे हम समझो, कोई आता है दुखी आता है, उसको हम योग में बिठाएंगे उस समय तो उसकी वो बुद्धि नहीं लगेगी कि योग में, या किसी को सहन शक्ति चाहिए तो कैसे ये देंगे, जैसे किसी को भूख लगी है तो भोजन दे सकते हैं, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन ये कैसे नहीं, इसमें आजकल जो हम लोगों का है ना, पहले ये 2-4-10 वर्ष पहले की बात अलग है, जो कोई कहते थे भाई किसको कैसे दान दे, कोई भी आता है दुखी आता है फलाना आता है, किसमें कोई परवेशता है, कई कई बातें ऐसी होती थी। अभी आजकल मैं ये समझती हूँ, समझो अभी आज ये दिल शिकस्त है, या इनके पास कोई ऐसी कोई निराशा ही है, या ऐसी कोई तकलीफ है, नस्तिक आते ही उनकी फीलिंग आती है, ना हम कहेंगे हमने दिया, ना हमारे पास क्वेश्चन उठ जाए कैसे दूं। मैं ये समझती हूं, बहुत समय पहले अव्यक्त बाबा ने कहा था, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां आएंगी, तुम्हारे अंदर वो धारणाएं होंगी, जो जिस चीज का भिखारी या जो चीज की जिसको जरूरत होगी तुम्हारे नजदीक आएंगे, उनको वो चीज मिल जाएगी। मैं ये समझती हूँ आज के जमाने अनुसार इतना हम लोगों को भी टाइम कहाँ देना चाहिए, कहाँ ना देना चाहिए, कितने अंदाज में टाइम देना चाहिए,
समझो हम एक घंटा इसको बैठ के समझाओ, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हमें नस दिखाने की जरूरत है। समझाने वाला एक घंटा समझा रहा है तो भी इसको शांति नहीं है, ये सम्मी पाके शांत हो गई। इसमें सहन शक्ति आ गई, इसमें संतोष आ गया, इसमें धीरज आ गया। उस घड़ी मुझे समझाने वाला मुझे अपनी समझा है, मुझे क्या समझाएंगे। कहीं आजकल बुद्धि से भी चाहे ज्ञान भी सुना हुआ है, ज्ञानी है तो भी समझे, समझ है, परंतु उसमें प्रैक्टिकल में सहन शक्ति नहीं है, या अंदर उलझन है कोई प्रकार की, उसको कोई छोटी सी बात का सिर्फ स्पष्टीकरण चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरे पास मिसाल हुए हैं, अभी अभी हुए हैं, उनको ये पता है, बस फलाने का एक्सीडेंट हुआ ना, उस माँ के पास अभी एक के पास गुलजार बहन को मिलाया था, वो आई थी जिसकी बहन यहाँ बाबा से मिलने आई थी, जिसका बच्चा 14 बरस का चार मार्क के कार पार्क से गिर गया, जानबूझ के गिरा। अभी रात को 11 बजे उसका पति वो था एंटी था, उसको तो ये था, तो ब्रह्मा कुमारी ने मेरे बच्चे को मारा, क्यों पति पत्नी के झगड़े में बच्चे ने अपने आप को सुसाइड किया, झगड़ा सहन नहीं कर सका। तो मेरी माँ को मेरा बाप इतना दुखी करता है, तो भी मैं रात को 11:30 हमारे से 4 घंटा ड्राइव पर लंदन से ब्रिस्टल में वहां गई। मैंने ये नहीं देखना था ये भाई एंटी है, मुझे ये देखना था इसको सारा रिश्ते कर देना है। इतना बड़ा 50 खंड इसके सारे परिवार वाले बैठे हुए थे, दिन में बच्चे के सारा क्रिया की थी, रात को गई वायुमंडल जो शांत हुआ, जो शीतल हुआ। अभी वो शक्ति उसको बाता को माँ को इतनी अच्छी है, मुरली पढ़ती है, बाबा के पास आती है, ये करती है, सब कुछ कुछ नहीं है। पर इतना ये है, दादी रात को 11 बजे हमारे पास आई, जिस दिन बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। आजकल हम लोगों का सबको ये हुआ है, अभी हमारी दादी काम पर भी किस टाइम पहुंचती है ना, तो जो हमारी हाजिरी है वो समझते है कि भगवान बाबा आया हमारे पास, उन लोगों को ये आता है जैसे बाबा, और हम कहेंगे इस टाइम में जैसे बाबा इन आत्मा को बहुत अति सारे शहर के अंदर ब्रिस्टल में लड़का बहुत अच्छा था, जिन्होंने देख सुना लड़का ने अपने आप को सुसाइड किया, किसने समझा, किसने इसको धक्का दिया है, किसने कहा, पीछे पता चला था इसने अपने आप को आप ही किया है। तो क्या ऐसे टाइम पर हम लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचना चाहिए। हम ये कहती हूँ ना, ये हमको सोचने की जरूरत, कैसे इसको शांति दूं, नहीं बाबा ने भरा है सब कुछ, कैसे क्वेश्चन नहीं है, मिल जाती है। जैसे हम साकार बाबा का हम लोगों के पास आप लोगों अनुभव सुना है, कई बार अनुभव है, जैसा आता है रोता आता हंसता जाता है। अब यज्ञ बाबा के पास हम सारा रात खेल देखते हैं, कहीं सा देखते हैं, कैसे मूड से आते कैसे जाते, वो बाबा सेवा कर करा रहा है। सिर्फ जरा सा भी दुख के दुखी को देख, दुख की लैस हमको ना आवे, आती है आती है, समझ मेरा ही मुंह फिलरा हो जावे असर हो जाए तो छोटा हो जावे, रोने जैसा मेरा ही हो जावे तो मैं नहीं दे सकती हूँ। इस पर चर्चा करेंगे तो हमारे दूसरी टॉपिक रह जाएंगी, परंतु हमारे अंदर दातापन के संस्कार जैसे बनेंगे तो बाबा दातापन से ही हमारी सेवा कर करा रहा है। अभी दादी बोले ना नॉर्मल शांत दादी कुछ नहीं, तुमको भी दाता करो वरदान नहीं टॉपिक पूरी होनी चाहिए, नहीं है तो इंटरेस्टेड टॉपिक बहुत। अच्छा अभी दाता करो, पूछ ले भाई इसके रह जाएगा, पूछ ले। दाता का अंतर नहीं आगे बिता फिर वरदा दाता का समझो कि
बाबा के जीवन के अंदर हमने तीन स्टेज देखी है, मनसा वाचा और कर्मण। एक मानसिक दाता, मानसिक रूप से दातापन होता, वाची को करना मिल जाता। तो अभी हम कहते हैं कि अव्यक्त बाप दादा जो है वो मनसा से काफी सेवा कर रहे हैं, मनसा से भी कर रहा है, वाचा से भी कर रहा है, कर्मणा से भी करता है। और तीनों द्वारा बाबा टोली भी देता है, दृष्टि भी देता है, तो ऑपरेशन भी देता है, सब इकट्ठा ही करता है। तो समझो कि ये जो तीन हमारी स्टेज है, इसमें क्या तीनों बैलेंस का रूप रखना जरूरी होता है, या उसमें नंबर 1, 2, 3 ऐसा होता है? नहीं, तीनों तीनों अच्छे हो, तीनों श्रेष्ठ हो। बैलेंस क्या होगा इसमें? नहीं नहीं, पर तीनों अच्छे हो ना, नेचुरल हो। अभी मैं दाता माना नेचुरल, अनगिनत अमाप। अच्छा, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ो विदाता। चलो अभी तो बहुत जितना सोचे इस पर उतना बोल सकते हैं, है तो टॉपिक बहुत गुई है अच्छी, लेकिन मैं समझती हूँ दादी जानकी ने जो ये बताया ना, तो भाई हमारे जाने से ही तो ये तब होता है जब हमारा पहले ये सारी हमारी धारणा पहले पकी हो। यानी दाता तब मैं बनूंगी जब मेरे पास पहले होगा तो सही ना, हमारे में शक्तियां है ही नहीं। तो जाने से वाइब्रेशन तो उसको, अगर मैं उस जिस रूप में हूँ, मानो मैं कभी देखने में आता है, कभी देखो हम सीरियस होते हैं, कोई अपने विचारों में होते हैं, कोई ऐसी बात हो गई और मैं उस विचारों में हूँ, तो हमारा चेहरा बोलता है, किसके भी आगे मैं जाऊंगी कहेंगे गुलजार भाई ना आज क्या हो गया है तुमको, आता है ना फेस से पता पड़ता है। तो अगर मानो हमारे में जो भरा हुआ होता है ना, वो वाइब्रेशन दूसरे को जाता जरूर है। तो इसीलिए हम दे कैसे उसका सवाल नहीं है, लेकिन मैं दाता बन के संपन्न अगर रहती हूँ तो ये दातापन का कार्य आप ही होता है। मैं समझती हूँ दादी जानकी की स्पष्टीकरण यही है। तो हम कैसे नहीं करें, लेकिन अपने को भरपूर करें तो ऑटोमेटिकली हमारा वाइब्रेशन, हमारा साथ, हमारा देखना, हमारा दो शब्द बोलना उस समय का ऐसा होगा जो उसको सुतई फीलिंग आएंगी कि मेरे को सहन शक्ति मिली या जो भी चाहिए उसको वो होगी। तो अभी जो है विदाता, तो विदाता का हमारे ध्यान में, हाँ, विदाता का आप लोगों के पास क्या अर्थ है? दाता फिर विदाता, तो विदाता किसको आप समझते हो? चक्रधारी कह रही थी विदाता, वरदाता, तो भाग्य का ही विदाता होगा ना। विदाता शब्द जो होगा, तो विदाता भी वही हुआ ना, लाभ बनाने वाला, तो या भाग्य की लकीर खींचने वाला या लाभ, एक ही बात हो गई ना। विधि विदाता, विदाता माना बनाने वाला, बनाने वाला, जैसे भाग्य की लकीर खींचता है तो वो विदाता कहते हैं ना, भाग्य विदाता। हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनाता है, तो भाग्य बनाने की जो उनको शक्ति देता है, समझ देता है, तो बाबा भाग्य विदाता, हम दूसरों को समझ देते हैं, मास्टर भाग्य विदाता। तो विधाता जो शब्द है वो भाग्य विधाता से मिलता है। तो भाग्य विधाता यानी विधाता की स्टेज कहें, भाग्य तो हमने ऐड किया है, वैसे विधाता की स्टेज ये है कि समझो जैसे हमारे पास कोई आता है, तो अगर मेरी विधाता की स्टेज होगी तो मैं ये मेरे मन में जरूर आएगा कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है उसकी कोई न कोई भाग्य की लकीर हम खींचे जरूर, यानी उसको समझ दे, तरीका बताएं। कलम तो बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान ही कलम है, भाग्य के लकीर खींचने का कलम बाबा ने सुनाया था। तो ये श्रेष्ठ कर्म की नॉलेज जो है यही कलम है,
और वही बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म की नॉलेज जो देता है वो कलम हमको देता है और उससे हम अपनी भाग्य की लकीर खींचते हैं। बाकी बाबा तो नहीं ना किसकी कम खींचता है या ज्यादा खींचता है, बाबा अपने ऊपर नहीं छोड़ता है, लेकिन कलम हमको अपने हाथ में दिया है। ये श्रेष्ठ कर्मों की नॉलेज ही कलम है जो हमको बाबा ने अपने हाथ में दिया है। और वो कहता है बाबा अभी जितनी 21 जन्म की लकीर खींचनी हो 21 जन्म की खींचो, अगर चंद्रवंश की खींचनी है तो आधा कलम से एक कम हो जाएगा, पीछे आएंगे। तो जितनी भी लंबी खींचनी हो आपको लकीर, वो आपके हाथ में है, जैसे बाबा कहते हैं। तो भाग्य विधाता की जो हमारी स्टेज होंगी उसमें हमको हमेशा ये स्मृति रहेंगी, तो जो भी मेरे पास आया है ना उसको ऐसी मैं नॉलेज दूं भाग्य की, श्रेष्ठ भाग्य बनाने की, जो ये भाग्य बनाने से वंचित नहीं हो जाए। जैसे बाबा कहते हैं चलो कुछ भी नहीं ले जाए, लेकिन थोड़ी सी अंचली आपके फिर भी संपर्क में आया आपके, और आप इतने भाग्य विधाता के बच्चे, आप भी भाग्य विधाता हो, और उसके सामने कोई आया और अंचली भी आपने नहीं दी, वो बेचारा वंचित रह जाए, तो ये भी दोष आपके ऊपर पड़ेगा। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, तो कई ऐसे जिज्ञासु आते हैं जिसको हम अपने अलबेलेपन के कारण, अपने मूड के कारण या अपने कई कारणों से हम उनको अटेंशन नहीं देंगे। जैसे उस धनी दादी ने कहा, तो चलो 2 बजे कोई आता है, मानो 2 बजे आता है, हमारे नींद का है और हमको नींद गहरी से उठाया, तो हमारा मूड ऐसा नींद का नशे का होगा और हम उसको चला लेंगे, चलो आया है अभी चल। तो समझो हम भाग्य विधाता के स्टेज पर अगर रहे तो हमारे को ये आएगा तो मैंने इसके भाग्य को वंचित किया। तो भाग्य विधाता के स्टेज में कभी भी किसी आत्मा को मैं खाली भेजूं, अंचली भी नहीं दो, मैं समझती हूँ उसमें ये भावना जो है विधाता, भाग्य विधाता की स्टेज में भाग्य बांटने की रुचि बहुत होती है, और ऐसे लगता है कि जैसे भाग्य के भंडार हमारे में भरपूर है और हम बांटते चले। तो भाग्य कभी भी किसी का कम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा भाग्य बनाते रहना चाहिए। तो ये भाग्य विधाता की जो है वो भाग्य विधाता की उस। अभी आप बोलो उस पर, आप बोलो अश, आप ला वाला बोलो, हेलो विचार किए बोलो ना, हम ऐसे समझती है तो दूसरे का भाग्य बनाने के लिए उसका तन से सेवा कराना, जैसे हम कहते हैं ना किसके पास धन नहीं है मन, तो उसके तन से भी सेवा कराना, उसका भाग्य नहीं तो कैसे बनेगा। किसमें बुद्धि नहीं है उसको ज्ञान दे के उनसे थोड़ा बुद्धिमान करके उनका भाग्य बनाना, और उसको धन समझ नहीं है तो उनके तन से सेवा लेना, उसके पास धन है तो धन से उनके से सेवा कराना। मतलब हमारे बुद्धि में होवे तो उनके तन से मन से धन से तीनों से उनका भाग्य कैसे बनाए, मतलब भाग्य बनाने जो है हमारे पास ये रहे कि भाई इनका भाग्य कहाँ से बनेगा, कोई चीज उसके पास है कोई नहीं है चीज, तो ऐसे हमको जांच करके जो चीज उसके पास है उससे उसका भाग्य जरूर बने। ये बात बहुत अच्छी है। तो जब हम भाग्य विधाता के स्टेज पर खड़े होंगे तो हमको टचिंग होंगी, तो चलो ये व्यक्ति है ज्ञान नहीं सुनता है, कई ऐसे होते हैं जो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन जीवन अच्छी लगती है और जीवन अच्छी के कारण समझेंगे हमको कोई सेवा दो तो हम कर सकते हैं, बाकी ज्ञान ब्यान हम कोर्स वोर्स ये कुछ नहीं करेंगे। तो भाग्य विधाता के स्टेज ऐसी है जो उसमें हर एक के भाग्य किस ढंग से बना सकते हैं हम, उसकी टचिंग हमारे को आएंगे। हाँ हाँ
उसको चांस भी मिला, जो भी ऐसा समय या युक्ति भी निकलवाए, हाँ उससे भाग्य बने। ये बात बहुत अच्छी है कि हमको ये एक बार सुनाओ। हाँ जरूर सुनाओ ना, तभी तो कमर चाहिए। हाँ जरूर जरूर नहीं 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 सुनो, आज चंद्रमन दादी और हमको थोड़ा बाजू में बैठे हैं ना, समझा? तो फिर थोड़ी रुहरियान चली। रुहरियान में एक बात आई जो अभी इस घड़ी इस भाग्य विधाता के पॉइंट से तैलक रखने वाली है। तो हम कहा देखो, अभी ये बात हम लोगों के ध्यान पर हो, जैसे अभी बताई ना, सुन कोई बुद्धिमान है, हम उसको कोई और काम दे देती हूँ, कारपेंट्री का काम दे दू, फलाना दे दो, तो वो बेचारा ना तो मुझे नहीं करेगा, लेकिन उनके बुद्धि से तो मैंने शिवा करके भाग्य नहीं बनवाया ना। अगर कोई कारपेंट्री का काम करता है, उसको मैं बुद्धि का काम दे देती हूँ, वो बेचारा कारपेंट्री से अच्छी मदद कर सकता है। तो ये भी कई बात ऐसे हमको बड़ी ध्यान से बात रखनी चाहिए, जो अगर जैसी क्वालिटी वाली चीज है उसमें करके देह अपमान न हो। भाई अपने मैं बुद्धिमान हूं तो मैं कारपेंट्री का काम थोड़ी करूंगा, या घर का काम थोड़ी, बर्तन झाड़ू का थोड़ी करूंगा, पर तुम मैं उसको कहूं तुम यहां बर्तन झाड़ू करो तो कहेंगे हाँ दादी क्यों नहीं। पर जो इस समय इतनी बेहद की सेवा लगी पड़ी है, हम हर एक के कदम कदम को, हर एक के संकल्प को, हर एक के पैसे को भी, हर एक को किस तरह से यूज करे ताकि उनका भाग्य बने। ऐसे इसमें ऐसे नहीं है समझो दिया तो ऐसे मिस यूज करूं, नहीं, भाग्य बनाया तो सही, चलो उसने तो करके भाग्य बनाया, लेकिन वो भाग्य हमने किस तरह से बनवा करके उसको हजार गुना जितना उनके है कैपेसिटी उनसे भी ज्यादा है उसका भाग्य बना। जैसे उस एक बार उसमें वहां किसने मुझे कहा, दादी मेरे को जब से मैं ज्ञान में आई हूं मुझे लिखने पढ़ने का ही काम मिला है, यही काम मिला है, समझा? अगर मुझे ये दो ना तो मैं टीचर बन करके कोर्स कराऊं तो बहुत अच्छा होगा, मेरी उन्नति शायद उसमें ज्यादा हो। मैंने कहा तेरी बात मुझे ध्यान पर आई। हमारी जसू, अब जसू कितनी एक्सपर्ट हो गई है इसमें कंप्यूटर के काम में, जसू के भी ग्राफिक्स नहीं चल सकती। अब वो कहे तो मुझे कोर्स कर, नैना जैसा मैं कोर्स कराऊ, मैं नैना को ऑफिस में भेजू तुमको तू कोर्स कराए का, फिर खुद ही आई सारी दादी। मैंने कहा देख अभी तुम्हारे एक लेटर एक थाउजेंड मनुष्यों के पास जाएगा वो ज्यादा अच्छा, या तुम एक घंटा कोर्स कराओ। अभी कोर्स कराने वाली तो हमारी एक्सपर्ट हमारे पास दस और भी है, तेरे जगह पर दस को भेजेगी तो काम नहीं होगा। तो हम लोगों को भी देखना चाहिए जिसमें जिस प्रकार की बुद्धि है और वो भी कुछ समझे। पर दूसरी बात है, मुश्किलात ये होती है हम लोग करके समझेंगे ये ज्यादा इसके लिए यूजफुल है, वो उसमें संतुष्ट ना हो, वो कहे नहीं मेरे को अगर इनसे ये होता ना तो ज्यादा होता, इनसे ये होता तो ज्यादा होता। ये भी हम समझते हमारी कमी है, उनको इतना इतना उनको नहीं बताएं क्यों, पर इतना हमारा आपस में फेथ है, जैसे कल विश्वास और लव वाली बात थी ना हमारे भाग्य विधाता मन में, जैसे उसमें स्नेह संबंध संपर्क की बात है, इसमें विश्वास और प्रेम चाहिए। भाग्य बनता है विश्वास से, हमारा बाबा में विश्वास है, कहे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, हमारा विश्वास है उस बाबा के साथ, प्यार है। कई बार हम सोचते हैं हम सेवा क्यों करते हैं, बाबा के प्यार में फथक रहे हैं, बाबा का स्नेह करा रहा है, भाग्य दमड़ा बना है। बाबा का स्नेह न होता तो हम सो जाते आराम से, हमको क्या जरूरत पड़ी है, पर बाबा के स्नेह हमको खींच करके करा रहा है, हमारा भाग्य बनवा रहा है। तो लोगों औरों को भी स्नेह प्यार और विश्वास, ये संस्कार बन जाते हैं ना प्यार और विश्वास का, जिससे भाग्य बन जाता है। और नेचुरल ये भी जैसे दाता के संस्कार हमारे बन जाते, जैसे भाग्य विधाता वो सम हर एक को ये बनाए, ये मेरे अच्छा भाग्य बनाने की इच्छा से कह रही है। तो कई छोटी छोटी बातों से शुरू से लेकर के देखा है आज दिन तक, जो सेवा जिसने उठाई है
उसे कितना वो भाग्य बन गया उनका। तो बाबा के साकार बाबा को सामने रखो, चाहे सही यज्ञ की हिस्ट्री को सामने रखो, तो भाग्य विधाता का ही सारा पाठ चल रहा है। ये तो कमाल की बात है ना, ये हम आपको बताए, बाबा का फोटो महेंद्र के बाप ने बना के, जो एक भाई है वहाँ प्रेस वाला जोशना का भाई, तो उसका बाप जो था उनको कैंसर की बीमारी थी, गले में कैंसर थी, तो गले में कैंसर थी तो खा नहीं सकता था। तो मैंने कहा मैं, हम हॉस्पिटल में जाने समय आने समय बाबा भवन उसको लेके आए, फिर हम खाना दिया तो कहा नहीं खा, फिर हम खिलाती थी थोड़ा 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 खा सकता था, फिर कहा तो वाइफ ने कहा उसके जोशना के माँ ने, दादी यहाँ खाता है वहां नहीं खा सकता है। मैंने कहा तुम बाबा के फोटो सामने रख करके फिर इसको खाना देती जाओ, बाबा को देखता जाएगा खाता जाएगा। तो पीछे 10-15 दिन जितना दिन जिंदा रहा ना, तो बाबा का फोटो ऐसे रखा है, बाबा जैसे उसको खिला रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके खाता था। तो मरने के पहले इसने बाबा के फोटो छपा के भेजे थे, तो दिल्ली में बहुत जब रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था तो वहां पहुंचे थे, वो मरने की भी तार आई तो फोटो भी आए, सबको सौगात दी। तो अभी बेटे को विश्वास हो गया मेरा बाप बाबा को सामने देखते देखते मरा, और बाबा का फोटो भी पहुंच गया उसके बाद मरा, उसे इशारा दिया बेटा ये फोटो छपा करके सबको बांटो। सारी फैमिली घर कम से कम 25-30 जने है इसके, बाबा के लिए इतना प्यार है, इतना प्यार, यज्ञ के बीज बोने लिए भी प्यार है, वो छोटा इतना मुन्ना इसका पोतरा है, वो भी ऐसे बाबा के घर आएगा, बाबा को देख करके कुछ टोली खा के भंडारी में डाल के जाएगा। तो ये क्या है भाग्य बना है, कैसे भी भाग्य किसका बन, भाग्य विधाता बना रहा है भाग्य बनाने के लिए। उसमें वह स्नेह संपर्क संबंध, और इसमें क्या हुआ प्रेम और विश्वास, स्नेह और प्यार में क्या स्नेह है व्यवहार में, एक है वो, दूसरा है ईश्वरी प्रेम जो है ना, विश्वास जो है वो दातापन में भी जरूरी है। हाँ तो ये सभी में जरूरी है, जब दाता होगा तभी विधाता में दाता से ऊंची स्टेज है, वरदाता फिर उससे ऊंची स्टेज है, है तो दोनों ही तीनों का लगभग, लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई दाता से विधाता ऊंचा। दादी अभी दादी वरदाता पर बोले, मेरा मन ऊपर था ना, मैं 11:30 से पुरुषार्थ कर रही हूँ ऊपर जाऊँ। अच्छा वरदाता पर दादी, अभी वरदाता पर आप बोलिए, पूरा हो गया ना, चला कोई पार्ट चला, ये आप बताओ, आप बताओ चंद्रमणि दादी बड़े ऐसे बोलते हैं, क्या साथ चला वो तो सुनाओ ना। नहीं नहीं दाता नहीं, मैं समझती कौन सुनाएगा, दोनों बात दादी को, नन्नी सरला दोनों में से एक सुना ली, नन्नी बहन सुनाए सरला बहन सुनाए, दोनों दोनों एक दूसरे को मदद करो। दोनों से बात सकती, ऐसे तो सब सुना सकते, सब देखो ना दादी बैठे कौन है, देखो तो सही आपकी शिकल यही है, देखो ना दादी एक मिनट, वो तो वरदाता है और ये दाता है, लेकिन फिर भी बाबा को बुला तो लिया ना, तो इन महाराजों की तो आकर्षण हुई ना, लेकिन मास्टर तो बाबा ने वरदाता भी बनाया बना दिया ना, तो दाता और भाग्य विधाता की भी स्टेज हो गई। पहले हम बनते हैं दाता, फिर बनते हैं भाग्य विधाता, दाता बनते हम भाग्य विधाता के जैसे स्टेज पर आए, जब तक दाता हम नहीं बने हैं तब तक भाग्य विधाता नहीं बन सकते। भाग्य एक तो है, मैंने सब हर प्रकार से अपना भाग्य बना लिया है, बाबा ने मेरा बनवाया है, तब मेरा पाठ ये बना,
दाता में होऊंगा, जो बाबा तुमने ज्ञान दिया है दाता में, हम लोगों ने सारा ज्ञान को अंदर से जीवन में लाया है जिस कारण दाता बन सके। भाग्य विदाता में हमने भाग्य अपना बनाया है जिस कारण से हमारे को देख औरों को भी भाग्य बनाने की इच्छा होती है। अब आती है वरदाता। जो वरदाता कहते हैं तो वरदाता में हमारी लाइफ के अंदर कई ऐसी बातें हैं जिसमें हमको पर्सनल हमारी कोई कला नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, लेकिन वरदाता बाबा का वरदान है। एक एक को वरदान है। एक बारी अभी अगर हम लोगों को टाइम मिले, हर एक अपना पर्सनल जिसको जो वरदान है ना वो अगर रिपीट करे तो सारे लाइफ का आधार वरदान है। पुरुषार्थ अलग बात हो गई मेरा, पर हमारा पुरुषार्थ भी हमारे वरदान करा रहा है। कभी विस्मृति हो भी जाती होंगी पर स्मृति वरदान दिलाता है। पहले से ही तो बाबा के वरदान से हम चलती आ रही है। तो उसमें क्या हुआ है, तो भगवान का वरदान है। जब हम कहते हैं भक्ति मार्ग में भी जब कोई बहुत भक्ति करता है, नौदा भक्ति करता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है, तो हमको अनुभव में कई बार ऐसे पहले भक्ति में होता था या और भक्तों का भी कहानियां सुनी हुई है, जब भगवान सामने आया, विष्णु सामने आया, खास करके विष्णु का जो पुजारी होंगे, तो पूछता है भगवान, बच्चा कुछ चाहिए? भगवान, बच्चा कुछ चाहिए? भगत कहता है तू मिला, सब कुछ मिला, तेरा ध्यान रहे बस। और कुछ अंदर से आवाज नहीं निकलता है, सच्चे भक्त के अंदर से ये निकलता है, बस तेरा ध्यान रहे। तो हम लोगों के अंदर में भी ऐसे जैसे बाबा के लगन की ऐसी स्मृति पक्की बनी रहे, बाबा सदा मेरे जो मेरे आप मेरे ध्यान में रहो, ये हम जैसे बाबा से वरदान लिया हुआ है उसको सदा अंत काल तक जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। ये जो प्रतिज्ञा की हुई है ना, उसको प्रतिज्ञा को वरदान का रूप दे दो। तो बाबा तथास्तु कहता आ रहा है हमारे सूक्ष्म संकल्प पर। ये वरदाता को हम रिपीट अंदर विचार करेंगे ना, हमारा सूक्ष्म संकल्प है बाबा तथास्तु कहता है, जैसे बची हुआ ही पर है। इसमें हम यज्ञ की हिस्ट्री में बाबा को कई बातों में समझना हूं, अज संकल्प उठेगा बाबा के बची हुआ ही पर है। या जब बच्चे का चेहरा ही ऐसा, बाबा का ऐसा होगा, हम कहेंगे हुआ ही पड़ा है। आज भी हम अंदर से लाइफ को कहेंगे आज विश्रांत और हमारा जो व्यवहार वातावरण हो गया उसमें वरदाता का कमाल थी। वो सीन बड़ी सुंदर थी, शील बहन, विश्रांता बहन और हम थे। ये किसने ये सीन इमर्ज की? वरदाता ने, हुआ पड़ा है। ड्रामा भी भावी कहती हुआ पर है। जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा जानता है हमारा तो विजय हुई पड़ी है। तो शब्द संकल्प हमारा कर्म ऐसा होगा हुआ पर है, हो ही जाएगा। रोलता वाला जैसे बहुत हुआ पर है, भगवान भगवान के हाथ में कहते ना सब कुछ है, तो हमारे भाग्य में भी सब कुछ है। हम इतने भाग्यवान है, भगवान भाग्य भावी तीनों को अगर हम सामने रखते हैं तो वरदाता है। जैसे वो तीन तीन बातें निकली है, वैसे वरदाता में भी आती है, भगवान वरदाता साथ है, भाग्य ये भी हमारे बाबा के मिले वरदानों से भाग्य बना है, भावी बनी पड़ी है, वरदाता ने ऐसी भावी हमारी बना दी है जो हमको भी बाबा ऐसा लगता है कि बना पड़ा है, बना हुआ है,
हमारा भाग्य भी बना रहा है, भगवान भी मेरा साथी वरदाता है और भाभी भी कहती है। तीनों ही जैसे हम वरदाता बन जाते, दाता फिर भाग्य विदाता फिर वरदाता। अभी इस पर भले आप लोग कुछ बोलो। हाँ अभी संयम तकवा ना, अभी हमारे सबके साथ व्यवहार ऐसे रहेगा, कोई आएगा ना मेरे ये विचार है हो जाएगा बस। मुझे इसमें बाबा के कई सीन सामने, बाबा सामने जाएंगे ना, अच्छा हो जाएगा। जैसे जानी जाना हार की भी है, नहीं आप भावी भगवान को सामने रखेंगे ना, भावी भगवान भाग्य, तीनों का अगर अच्छा गहरा संबंध है, तीनों अच्छे है। जैसे उसमें बैलेंस का, बैलेंस की बात नहीं है भाई, मनसा वाचा कर्मा बैलेंस रखें दाता में, नहीं इसमें भावी भगवान का बैलेंस है, भावी अच्छी दिखाई पड़ रही है, एक्यूरेट बनी पड़ी है, भगवान साथ वरदा। मेरा भाग्य मैं शुरू से आज दिन तक देखती हूँ, बड़ा अच्छा सुंदर भाग्य बनता रहा है। भाग्य बताता है तो वरदानों से भाग्य बना है, तो इसमें इसमें क्या होगा, जैसे मेरे पर्सनल होंगी ऐसा जो हमारे संपर्क में सामने आएगा जरूर ऐसा ही वरदान लेके जाएगा। आजकल हर एक क्या कहते हैं, दादी को क्या बोलेंगे, दादी और कुछ नहीं जी थोड़ा वरदान दे दो, कहते हैं दो शब्द मुझे शुभ वचन बोल दो भाई वरदान, अभी तो वरदान कहते हैं भाई, हम तो कह रहे हम तो जहां भी जाती हूँ ना दो शब्द बोल दो, वो समझते दो शब्द जन वरदान है। और मैं आप लोगों को ये सूक्ष्म बताती हूँ, बड़ों से मैं एक कानों में दादी बोले बैठी है, पर मैंने इसे नहीं बैठी है, नहीं बोले नहीं सुने बड़ों से संबंध ऐसा लवली, इतना स्नेह वाला, इतना विश्वास वाला, इतना जान जिगरी, इतना ओपन रखना चाहिए जो वो मुझे शिक्षा न देवे। दिल से चाहे तो भले कान पकड़े, राइट है उनका हक है, भले पकड़े खुशी से, मैं कह भले पकड़े मैं खुशी हो जाऊं, डर न लगे मेरा कान न पकड़े, किसके सामने न पकड़े, ये असर ना हो, पर ऐसा मेरे प्रति अंदर से मीठा आवाज हो जो मेरे अंदर वरदान का काम करे। हम साकार में मम्मा बाबा से सदा ऐसे पले हुए हैं, ऐसा भले राइट है कान पकड़ना मम्मा बाबा का, लेकिन साथ साथ जो उनके मुख में से बाबा के मुझ आत्मा के प्रति निकले वो दुआओं भरे, स्नेह भरे, और मेरे को अड़ने वाले, ऊंच उठाने वाले, जो उनके माँ वाकी मुझे उड़ा देवे। ऐसे अपना संपर्क संबंध बड़ों से ऐसा रख ले जो उनसे वरदान जो बोलेंगे ना वो मेरे लिए वरदान। हुआ ही पड़ा है ऐसे मेरे पास, मैं आप लोगों अभी तो टाइम दादी को 10 मिनट का प्रॉमिस दिया है, लेकिन लिस्ट दे देंगी ना तो लिस्ट में वरदानों से ही जन्म हुआ है, जो बाबा ने भी कहा था, अभी पक्का अभी बता दी, बाबा ने कहा था, हमने कहा बाबा आपने मुझे वरदान नहीं दिया है अभी अभी, तो मैंने ऐसे हंसी में कहा था, परंतु बाबा ने कहा तुम लोग बच्चों का जन्म वरदानों से, पालना वरदानों से, अब भी वरदानों की झोली बाप तुम बच्चों की भर दी है, बाकी क्या चाहिए, रत्नों से झोली भरी पर वरदानों से झोली भर दी है, जो हमारे मुख से बाबा कहलवाएंगा वो उनके लिए वरदान हो जाएगा, हम देंगे नहीं पर हो जाता है हो जाएगा। पहले शुभ भावना रखी, फिर शुभ कामना रखो, फिर वरदान। ओके बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ अभी, चलेंगे योग के संबंध में है, तो मनोहर दादी
हमें छुट्टी दे तो इसी विषय पर हर एक अपना वरदान इतना अपना अपना सुनावे। 5:30 से 6:30 बात कहते पावन पुण्यो करेंगे फिर 7:30 बजे तो लौटाते हैं। अपना वरदान याद करके जादू ही पढ़ाऊंगा ठीक है। बोलो हाँ ठीक है ठीक है। हाँ फिर वरदानी बनने की स्टेज क्या होती है वो फिर हम बताऊंगे। आपके लिए तो पहले नंबर का वरदान सिद्ध हुआ। किसके लिए कौन सा कौन सा दादी ने बताया ये हमारी दादी बहुत खराब अच्छा वो तो दुआ है। मेरा एक ही शब्द है शायद मैं रॉन्ग हूँ या राइट मैं मतलब दुआओं की भक्त हूँ। अक्षर बोला मैं भगत हूँ दुआओं वरदान दुआएं आशीर्वाद कृपा सब सबका एक दूसरे से नहीं इस पर एक क्लास और है। देखे दुआएं दूसरों से मिलती वरदान ऊपर से मिलता वरदान फर्क ये है वरदान ऊपर से मिलता दुआएं आपस में मिलती तो मैं वरदान की भी तो दुआओं की भी मैं दोनों की भक्त हूँ और कोई मैं भक्त नहीं हूँ पर इसमें मैं जरूर भक्त हूँ। भक्तन का अर्थ समझ अच्छा फिर क्लास हजम हो ही गया कोई भारी है क्या भाई इसके लिए सभी भक्तन हो ना सभी के पास इसकी भक्ति है। दुआओं के हम वरदान बाबा देता है कोई क्लास होता है जिसमें हाँ जरूर जरूर से शुरू हो गए हाँ मनोहर दादी शुरू करेंगी आज पहला स्टार्ट मनोहर दादी हाँ आज जो बोले सो फुंडा बोले नहीं किया है ना भाई आज मनोहर दादी बोले वरदान कौन न सुनाएगा फिर सभी सुनाएंगे जब सब सुनाएंगे उनके बाद हम सुने लेकिन हाँ सभी दो दो मिनट एक मिनट दो मिनट सर ये पॉइंट थोड़ी है जो कोई न सुनाएगा सब ये तो भगवान के मिले हुए वरदान को कौन न सुनाएगा हाँ वरदान पर बोल अच्छी बात और आप लोग नहीं सुनाओगे पीछे ये भी सुनाएंगे ये तीनों बातें हो गई। अच्छा भाई ओम शांति अच्छा भाई ओम शांति हाँ अच्छा भाई सब सुना ना पालू बहन भी आ गई ओम शांति 1 मिनट साइलेंस फिर सभी को भोजन करके भी यहाँ आना। हाँ अगर भोजन के बाद भी ये हरेक सुना ले वे तो खाने के बाद सुना ले।